ऑलराइट, लाइव बग हंटिंग देखना सबको पसंद है क्योंकि इसका जो पार्ट वन मैंने बनाया था उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए लेकर आया जाए लाइव बग हंटिंग का पार्ट नंबर टू। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर वन नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक होगी, जाकर देख लेना। यह है पार्ट टू जहां पर हम बात करने वाले एक लाइव टारगेट को पकड़ने के बाद आप कैसे उसके ऊपर एक नया प्रस्पेक्टिव से नए टारगेट्स को फाइंड करके कैसे बल्क में हंटिंग कर सकते हो। थोड़ा सा ऑटोमेशन वाला मैं प्रस्पेक्टिव आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे एक नए टारगेट के ऊपर एक नए डिस्कवरी करने के बाद एक नए प्रस्पेक्टिव से कैसे चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, जो कि बड़े बड़े हंटर्स करते हैं जो आपको कभी वो बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप ऐसे ही लाइव बग हंटिंग के और पार्ट्स देखना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लाइक, जितने ज़्यादा कमेंट्स, उतने ज़्यादा इसके पार्ट थ्री के आने के चांसेस। स्टार्ट करता हूँ ये वाली वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन लैग, दिस इज अबजील और ये वीडियो है लाइव बग हंटिंग पार्ट नंबर टू। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ऑल राइट, सो मैंने यहाँ पर पकड़ लिया हमारा पुराना वाला टारगेट जो कि मैंने लाइव बग हंटिंग के पार्ट वन में भी पकड़ा था, ये है AT&T कंपनी। ठीक है, तो AT&T के ऊपर आप लोगों को पहले से नीचे सब डोमेन्स की लिस्ट वगैरह दे रखी है और आपके कोई भी टारगेट जिसको आपने चूज किया वहाँ पर जो है वो कौन से डोमेन्स जो स्कोप में है वो दे रखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आउट ऑफ द स्कोप सारे के सारे दिए हुए हैं और बाकी जितने इसके अलावा जितना भी कुछ मिलता है वो सब कुछ इन स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ों को छोड़ के आउट ऑफ द स्कोप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए AT&T.com पूरा का पूरा इन स्कोप है, उसके अंदर कोई भी उसका सबडोमेन होगा वो हमारे लिए इन स्कोप है। राइट, तो अब यहां से तो आप अपने सबडोमेन एनुमरेशन को करते हो। ठीक है, आप इस AT&T.com के अलग अलग सबडोमेन्स को अलग अलग टूल की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हो। हम सब फाइंडर यूज कर सकते हैं, हम सब्जी को यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, अमास हैं, उससे आप लोग नए सबडोमेन्स को तो फाइंड कर सकते हो जिसको हम कहते हैं सबडोमेन एनुमरेशन, जो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाले फेज में करते हैं। लेकिन आज हम कुछ नया करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले इसके मेन टारगेट पे चलते हैं जो है AT&T.com। तो मैं यहां से इसके मेन टारगेट पे चला जाता हूं, मैंने इसको क्लिक कर दिया एंड हमें अभी इसका जो है मेन टारगेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम आ चुके हैं इसके मेन टारगेट के ऊपर। ठीक है, तो आपका कोई भी अगर डोमेन है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका भी इस तरीके का एक जो है मेन टारगेट होगा, एक मेन डोमेन होगा, कोई सब डोमेन नहीं, मेन डोमेन। इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद आपको करना है यहां पर व्यू पेज सोर्स। जब आप इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं तो आपके सामने आपकी वेबसाइट के कोड्स जो है वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर हम इसको टाइम देते हैं, हमारे यहां पर जो कोड्स हैं वो हमको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमको यहां पर हमारी वेबसाइट का कोड देखने को मिलता है। हां, मानता हूं कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऑब्फुस्केटेड होता है। ऑब्फुस्केटेड का मतलब ये उस तरीके से बनाया गया है कि हम उसको पढ़ नहीं सकते इजीली, जिसने इसको किया है वही उसको पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते। ये ऑब्फुस्केशन होता है, ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे वेबसाइट्स कंपनी करते हैं जिससे कि हैकर से वो बच सके। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको कंट्रोल एफ दबाना है और कंट्रोल एफ दबाने के बाद आपको वहां पर लिखना है टाइटल। ठीक है, तो मैंने यहां पर टाइटल लिखा और मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर से जो हमारे वेबसाइट का मेन नाम है, आपके अंदर सिर्फ इतना ही होगा शायद, ये सारी चीज़ एक्स्ट्रा ना लिखी हो, लेकिन जो आपकी कंपनी का मेन नाम है वो टाइटल में कैसा लिखा है ना वो फाइंड कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ये एंड AMP का मतलब कुछ नहीं होता है, इट इज़ सिंपल एंड AMP HTML की लैंग्वेज में सिर्फ एंड होता है। ठीक है, तो ये बस इतना है AT&T। ठीक है, तो बीच में जो AMP है वो एक HTML एनकोडिंग है, HTML की लैंग्वेज में एंड जो होता है हमारा एस जो हम उल्टा लिखते हैं, यानी कि ये वाला जो एंड है वो HTML पढ़ नहीं सकता है, तो HTML के लिए ये पूरा जब हम लिखते हैं तब वो एंड होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस देखना है कि आपका क्या है। वो तो मेरे टारगेट के अंदर एंड आता है, शायद आपके टारगेट शायद मान लो फेसबुक होता तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होता, यहां पर सिंपल लिखा होता फेसबुक। ठीक है, या फिर फेसबुक INC। तो आपको देखना है टाइटल में क्या लिखा है। ठीक है, और उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहां से कॉपी कर लिया AT&T। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, मेरे दिमाग में है, याद रख रहा हूं। ठीक है, मैं इसको उठाकर साइड में रख देता हूं, अभी आप इसको दिमाग में रखकर साइड हो जाओ। अब आप सभी को पता है हमारे लिए एज अ हैकर बहुत सारे सर्च इंजिन हैं, जैसे कि सोडैन है, सेंसस है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन हैं। तो मैं यहां पर पकड़ता हूं सेंसिस को। सेंसिस एक सर्च इंजिन है जो हैकर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, मैं दिखा देता हूं कैसा दिखता है। तो ये एक सेंसिस सर्च इंजिन है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, वो तो आपको पता है, लेकिन अब मैं यहां पर इसका कोई भी यूज यहां पर नहीं करने वाला, हम इसके API का यूज करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं आप कैसे इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहां पर जाना, अपना अकाउंट बना लेना है। मैंने यहां पर मेरा अकाउंट जो है वो बना लिया। ठीक है, जब आप अपना अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बन जाता है, लॉग इन कर ले, तो फिर आपको यहां पर जाना, आपके प्रोफाइल पे जो है वो क्लिक करना। ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल जो है उसके ऊपर मैंने जो यहां पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहां पर जब क्लिक करता हूं
तो मुझे यहाँ पर एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है एपीआई। तो यहाँ पर मुझे अपने एपीआईज देखने को मिलते हैं जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको ये दोनों एपीआईज को जो है वो कॉपी कर लेना है। इतना हो जाए, इतना कर लिया, अब आपको चलना है आपके टर्मिनल के ऊपर। तो मैं यहाँ से चलता हूँ मेरे टर्मिनल के, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे टर्मिनल के अंदर। आपको टर्मिनल में जाने के बाद लिखना है पीआईपी इंस्टॉल सेंसिस, ठीक है, इतना लिख देना है। तो यहाँ पर जो है वो पीआईपी जो है वो सेंसिस को जो है वो इंस्टॉल कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो पीआईपी है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर कोई एरर आता है, ठीक है, अगर आपका इंस्टॉल नहीं हो पाता, अगर आपको कोई एरर आता है कि भाई कुछ जो है वो फाउंड नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ आता है, तो लिखा होता है कि भाई क्या फाउंड नहीं हुआ। जैसे कि आपको आता है कि रिक्वेस्ट जो है वो फाउंड नहीं हुई, तो आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है पीआईपी इंस्टॉल, जो भी लिखा होता है एरर में वो सर्च करना, आपको देखने को मिल जाएगा इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मेरा जो सेंसिस है वो शायद तक मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, मेरे टर्मिनल के अंदर वो इंस्टॉल हो चुका है, तो वो यहां पर आ गया। अब इसको आपको कॉन्फ़िग करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको करता हूं कॉन्फ़िग। तो आपको यहां पर नॉर्मल लिखना है सेंसिस कॉन्फ़िग। इतना लिखने के बाद आपको यहां पर आपकी एपीआई आईडी और आपका जो सीक्रेट है वो यहां पर जो है वो पेस्ट कर देना है। तो मैं करता हूं यहां से मेरा एपीआई आईडी पेस्ट और मैं यहां से करता हूं मेरा सीक्रेट पेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने यहां पर पेस्ट कर दी। मैं चाहता हूं कि मुझे कलर आउटपुट दिखे, वाई करता हूं और मैंने यहां पर जो है वो एपीआई आईडी और इसके साथ ये कॉन्फ़िग हो चुका है, ठीक है। तो अब मेरे पास सेंसिस जो है वो चालू हो चुका है। अब हम लोगों ने जो टाइटल कॉपी किया था, ठीक है, हमारे लिए वो टाइटल है ATNT, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे सेंसिस की मदद से कुछ नए आईपी एड्रेस को डिस्कवर करके उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं लाइव बग हंटिंग के दौरान। मैं आपको बताऊंगा एंड में, जब वीडियो खत्म होने वाली होगी तब मैं बताऊंगा कि जितना भी मैंने प्रोसेस समझाया उससे आप कैसे बग्स फाइंड कर सकते हो। बने रहना एंड तक, ठीक है। तो चलिए, अब आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा एक कमांड लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं याद रहेगा तो भी कोई बात नहीं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अगर जितना आप समझ पाओ उस कमांड को उतना समझ लेना, ठीक है। हाँ, हम कमांड लिखे उससे पहले आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसको आप कर सकते हैं APT, आपको लिखना है APT गेट इंस्टॉल, ठीक है। तो APT गेट इंस्टॉल JQ, ठीक है, इतना लिख देना APT get install JQ, ठीक है। तो मेरे में पहले से हैं, अगर आपके में नहीं है तो आपको लिखना है APT get install JQ। अब टूल हमारा कैसे काम करता है वो मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंसिस, ठीक है। मैं सेंसिस को बता रहा हूँ कि मुझे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? मुझे यहाँ पर सर्च करना है, देखो अभी आपको सेंसिस कैसे यूज़ करना है वो सीखना नहीं, अगर सीखना चाहते हो तो आप सेंसिस एच करके उसके हेल्प सेक्शन में जाकर सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्विस। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे जो टाइटल मैंने ग्रैब किया ना, वो टाइटल मैंने कहाँ से ग्रैब किए? मेरे रिस्पॉन्स के अंदर से। मैंने रिस्पॉन्स के अंदर से क्या ग्रैब किया? HTML का टाइटल ग्रैब किया, ठीक है। तो मैंने बता दिया मेरे सेंसेस को कि भाई मैंने इस चीज़ को ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर मैंने क्या ग्रैब किया, ठीक है, तो मैं इसको सेमी कॉलन लगाकर बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ग्रैब किया ATNT, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ग्रैब करी वो मैंने बता दिया। मैंने इसको बंद कर दिया, एक और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया। आपको देख रहा है ये एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बंद होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर बंद होता है, ठीक है। तो देखना कॉमा आपका मिस्टेक ना करे, अगर हो गया तो आपका कमांड जो है वो काम नहीं करेगा। अब मैं इसको बताऊंगा कि तुझे इंडेक्सिंग करनी है, यहाँ पर इंडेक्सिंग क्या करनी है, नए होस्ट को इंडेक्स करना है जिसके अंदर ये वाला वर्ड आता हो, ठीक है। जो जब ये इंडेक्स कर देगा एक बार तो फिर मैं इसको अच्छे से प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको इंडेक्स करवाते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको आगे का कमांड दिखाता हूँ। ये कमांड पूरा नहीं हुआ है, इसका आगे का कमांड और है, लेकिन पहले इतना देखो, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, आप देख रहे हैं ये जो है वो सर्च कर रहा है सेंसिस हमको, और यहाँ पर हमको बहुत बड़ी लिस्ट देता है, लेकिन हमको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हमको बस ये वाले आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, हम वो कैसे कर सकते हैं? तो जो सेम कमांड हमने लिखा अभी, उस सेम कमांड के अंदर हम लोगों को JQ का यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को JQ का यूज़ करना नहीं आता है, तो मैं बस जो बता रहा हूँ वो कर देना, बाद में मैं समझा दूंगा कि क्या इसका क्या मतलब होता है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ कि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा JQC। अब सी का क्या मतलब होता है? JQ एच करके आप देखोगे तो आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिखा JQC। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी चीज़ें वो ब्रैकेट्स के अंदर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो ब्रैकेट्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर एंटर करूंगा, ठीक है, अब मैं अगर यहां पर एंटर करने जाऊंगा तो आप देखना यहां पर हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने सर्च किया, आप देख रहे हैं, अब जितनी भी चीजें थी अलग अलग थी वो एक ब्रैकेट्स के अंदर आ गई। आप देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये एक एंगल ब्रैकेट्स के अंदर चीजें आ रही है, ठीक है। यहां पर देखो एंगल ब्रैकेट खत्म हो रहा है, फिर दूसरा एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होगा, एंगल ब्रैकेट खत्म होगा। तो वो क्या कर रहा है? प्रिटी प्रिंट नहीं कर रहा है। वो जो पहले जो आया था ना, वो प्रिटी प्रिंट आया था। प्रिटी प्रिंट का मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आया था। मुझे नहीं चाहिए अच्छे से ऑर्गेनाइज, मैं चाहता हूं कि मुझे इस तरीके की सारी चीजें ब्रैकेट्स के अंदर दिखा, क्योंकि अब मैं इसके अंदर से आईपी एड्रेस को बाहर निकालने वाला हूं, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा आपको लिखना है यहां पर, जो सेम कमांड हमने उसके आगे, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देता हूं क्योंकि आगे और हमको लिखना है। मैं आगे लिखूंगा, अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ आईपी दिखे, ठीक है। तो आईपीज
और आईपीस के अंदर हमारा जो टर्मिनल है वो स्मार्ट है, मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे आईपी अंदर से निकाल के दे। अगर याद नहीं रह रहा, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, सेम कमांड कॉपी करके लिख देना, ठीक है। मैंने ये किया, अब मैं यहाँ पर इसको जब करूँगा एंटर तो मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस की जो है वो लिस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसने मुझे सारी चीज़ें निकाल कर दे दी, ठीक है। तो अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको कहीं पर सेव कर लूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कर दिया, आप ये कर सकते हो, या फिर आपके पास और बहुत सारे तरीके हैं किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, जैसे कि आप टी करके भी सेव कर सकते हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल यूज तरीका है वो है ये। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जो भी फाइल का नाम मैं लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा host.txt और मैं एंटर करूंगा। अब ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर होगी वो host.txt में सेव हो जाएगी। अगर मैं host.txt में जाऊंगा, आप देख रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टोर हो चुकी है। लेकिन अब भी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस देखने को मिले और कुछ भी मेरे को नहीं चाहिए, तो हम कैसे उसको ग्रैब कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत सारे तरीके, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हैं, कट का यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ मैंने अपने लाइव ट्रेनिंग्स के अंदर, ये सब कुछ मैंने अपने API रिकॉन वाले जो एडवांस रिकॉन वाली वीडियो है उसके अंदर और बहुत सारी पुरानी वीडियोस के अंदर ये सब समझा रखा है। YouTube पर आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे हाउ टू यूज कट, हाउ टू यूज सॉर्ट, अगर आप ये सब लिखोगे तो आपको डिटेल में वहां पर वो चीजें जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर करता हूँ स्टार्ट इस चीज़ को, मैं देखो मैं यहाँ से कट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले हमारे पास फाइल के अंदर इतने आईपी एड्रेस थे, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फील्ड नंबर 3 है वो कट होके मेरे सामने आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि फील्ड नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ कि मुझे डेलिमीटर कट करना है। मैं समझाऊंगा आपको कि मैंने क्या लिखा, ठीक है, ये याद रखो अपने दिमाग में, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे फील्ड नंबर 4 से डेलिमीटर जो है वो हट जाए, ठीक है। तो देखो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे सारे आईपी एड्रेस आ गए। ये हुआ कैसे वो समझते हैं, समझना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो हमारे नॉर्मल होस्ट के अंदर इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो अब मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कहा कि भाई मुझे फोर्थ फील्ड में, ठीक है, तो ये फोर्थ फील्ड हो गई, राइट। इसको कह सकते हो फोर्थ फील्ड कैसे, समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो फॉर अस यहां पर एक सिंबल्स वाला चल रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट फील्ड, ठीक है। सेकंड फील्ड जहां पर एक कैरेक्टर आया, स्ट्रिंग कैरेक्टर, उसके बाद वी गॉट अनदर थर्ड फील्ड, ठीक है, और हमारे लिए ये फिर से जो कैरेक्टर्स आए वो हो गए फोर्थ फील्ड, ठीक है। तो ये फोर्थ फील्ड है, तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको जो कमांड लिखा कट डी और उसके अंदर मैंने डेलिमिनेटर के अंदर कॉमा डाला, तो मैंने उसको ये बताया कि फोर्थ नंबर की फील्ड में आगे का कॉमा हटा दे, पीछे का कॉमा हटा दे और मुझे बस आईपी एड्रेस दे दे, ठीक है। तो हमको उसने वो आईपी एड्रेस जो है वो दे दिया, ठीक है। तो मैं फिर से वो कमांड लिख देता हूँ, ठीक है, वो कमांड था हमारा ये वाला, देख रहे हो, मैंने इसको बोला डेलिमिनेटर कट कर इन्वर्टेड कॉमा, मुझे कट करके दे फोर्थ नंबर फील्ड के अंदर से, और इसको मैं स्टोर करवा दूंगा अब नए एक फाइल के अंदर जिसका मैंने नाम दे दिया ipis.txt, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी वो अब हमारे ipis.txt के अंदर आ चुके हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस आ चुके हैं। अब हम यहाँ से हमारे जो टारगेट के ऊपर है वो एक नया अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी आईपी एड्रेस आए हमारे पास, ये सारे के सारे आईपी एड्रेस कुछ नए आईपी एड्रेस जो कि सब डोमेन एनुमरेशन में शायद आपको ना मिले हो, ठीक है। तो अब हम बल्क में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अगर एनमैप स्कैन करवाए, ठीक है, तो हम यहाँ पर ओपन पोर्ट्स को स्कैन करवा सकते हैं, इसके ओपन पोर्ट्स को स्कैन करवा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी चल रही है उसको स्कैन करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करवा सकते हैं। चलिए कुछ करवा के देखते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा टारगेट फाइल है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एनमैप, अब मैं चाहता हूं कि nmap यहां पर जो है वो ICMP स्कैन करे, ठीक है। पोर्ट नंबर कौन कौन से ये सब आपको पता है, तो मैं एक एक चीजें नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में इजीली आ जाएगा अगर आप जाओगे nmap के डिटेल में, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा मुझे पोर्ट नंबर चाहिए सारे के सारे जितने भी पोर्ट्स है, ठीक है, टोटल 65,535 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 65,535 पोर्ट्स, 0 से लेकर वहां तक सारे पोर्ट्स को स्कैन करना मेरे जितने भी आईपीज हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर उसको आईपीज दे दूंगा, मैंने इसको दे दिए आईपीज, राइट। अब मैं चाहता हूं कि इसका सर्विस स्कैन हो, इसका एग्रेसिव स्कैन हो, सारी चीज़ मैं बता रहा हूं, ठीक है, एग्रेसिव स्कैन, सर्विस स्कैन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं सेव भी करूं, ठीक है, तो मैं इसको सेव करवाना चाहता हूं स्कैन्स, ठीक है, स्कैन्स नाम की फाइल के अंदर। और मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना एनमैप की बहुत बेसिक्स है, मैंने अपने एनमैप के बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, तो आपको मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें नहीं समझा रहा हूँ। मैं इसको बता रहा हूँ कि मिनिमम होस्ट ग्रुप्स जो तुझे यूज़ करने हैं, ठीक है, तो मिनिमम होस्ट ग्रुप्स यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको, लेट सपोज 22, ठीक है, तो वो 22 के ग्रुप में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि मिनिमम तुझे यहाँ पर जो है मिनिमम रेट, एक रेट पे काम करना है, जो रेट होगी लेट सपोज 50,000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 50,000 मिली सेकेंड्स
के अंदर वो बहुत सारे आईपीस को एक साथ स्कैन करेगा, ठीक है, उस होस्ट ग्रुप को एक साथ स्कैन करेगा। कंफ्यूजिंग नहीं है ये, बहुत ही सिंपल। अगर आप एनमैप एच करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद मैं इसको कर दूंगा एंटर और ये यहाँ पर मुझे इसका जो आउटपुट है वो दे देगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा तो मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ एंटर प्रेस करने के बाद। और जैसे आउटपुट आता है मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट से हमको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो आउटपुट देखने को मिल गया। उस आउटपुट के हम सबसे ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधा आउटपुट मेरे को दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, आधा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हम देखते हैं ये वाले आईपी एड्रेस को स्कैन किया, इसने सारे आईपी एड्रेस को स्कैन कर दिया, ठीक है। तो ये वाले आईपी एड्रेस की बहुत सारी चीजें, जैसे कि कौन सा पोर्ट ओपन है, उस पर क्या चल रहा है, ठीक है। उस तरीके से हम यहां पर आते हैं, आप देखेंगे ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस है ये वाला, ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस के ऊपर एसएसएच पोर्ट ओपन है, एफटीपी पोर्ट ओपन है, एसक्यूएल का पोर्ट ओपन है, एसएमटीपी का ओपन है, एसएसएच का ओपन है, बहुत सारी चीजें ओपन है। आप देख सकते हैं इसके वर्जन वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, तो शायद आप इसके वर्जन के डायरेक्टली एक्सप्लॉइट फाइंड कर सकते हैं एक्सप्लॉइट डेटाबेस के अंदर से। ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स अलग अलग सर्वर पे जो है वो आपको ओपन दिख सकते हैं। तो अब मैं आगे जो करना है वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप यहां पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। आप एनमैप को चला सकते हैं, उसके बाद जैसे कि आपको डायरेक्टरी सर्च करवानी है तो मैं डायरेक्टरी सर्च भी करवा सकता हूं, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैं यहां पर डायरेक्टरी सर्च करवाता हूं, ठीक है, लिस्ट यूआरएल दे देता हूं, ठीक है। तो मेरे यूआरएल जितने भी सेव हैं वो है डेमो के अंदर, और यहां पर इसका नाम है स्कैन्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे स्कैन्स डॉट सॉरी मेरे जितने भी यूआरएल्स हैं वो सेव्ड हैं आई गेस आईपी टारगेट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर, और मैं इसको एंटर करूंगा। आप देखेंगे अब जितने भी आईपी एड्रेस हैं मेरे पास उसके ऊपर डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग ये करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्कैनर चला सकता हूँ, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, जैसे कि मेरे पास एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जिसका नाम है निक्टो, ठीक है। तो मैं निक्टो के अंदर यहाँ पर दे सकता हूँ निक्टो, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको बताऊंगा होस्ट, और होस्ट मेरी जो फाइल है वो है टारगेट्स डॉट टीएक्सटी, और निक्टो जो है वो अब ट्राई करेगा अगर इसके अंदर कोई वेब सर्वर है तो वो उसको स्कैन करेगा, उसके ऊपर देखेगा कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो आप बल्क में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप न्यूक्लियाई चला सकते हैं इन सारे होस्ट के ऊपर, और आप ऑटोमेटिकली नए होस्ट जो कि आज तक कभी किसी ने डिस्कवर नहीं किया, बहुत ही कम चांसेस है, इस वीडियो को देखने के बाद शायद चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम है आपके टारगेट के ऊपर ये चीज़ किसी ने की हो और सेंसेस के हिसाब से उन्होंने आईपी एड्रेस निकाला और उसके ऊपर इस तरीके की स्कैनिंग करी हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेब सर्वर अगर इसमें से कोई होगा तो उसके ऊपर स्कैनिंग स्टार्ट करेगा, अलग अलग वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं इस तरीके के सेंसेस को यूज़ करने के बाद। तो ये था एक बेहतरीन यूज सेंसेस का जो मैंने आपको लाइव टारगेट के ऊपर प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे हो सकता है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करो और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाए, जितने ज्यादा कमेंट्स उसका पार्ट 3 आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को इसके अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, पीस।